तो आपने एक कहावत सुना होगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा में एक ऐसी ताकत है जो आप समझ पा रहे हैं ना। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ पर यह है कि आप वो तो पुराने जमाने हो गए, यानी कि जो कहावत थे वो थे, अब हमारा कहना है और ये भी कहना पहले से भी था कि मेहनत जो होता है वो किसी भी कलर में आ सकता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो वो ऐसा एक कलर है जो जैसा चाहे वैसा रूप दे सकते हैं। जैसे आप मेहनत के हैं, हम या आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं, वहाँ पर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें सभी रंग के लोग होते हैं। उसमें कोई टॉप कर जाते हैं तो कोई फेल कर जाते हैं। जो टॉप करते हैं कहते हैं सर बहुत अच्छे थे, इसके वजह से हम जो किए हैं वो उनके वजह से किए हैं। और जो फेल करते हैं उनसे पूछिए तो कहेंगे जो हमने किया है इसी बगल मतलब इसी मास्टर की वजह से किए हैं। यानी कि गलत सेंस में बोलेंगे कि यही हमको जो है फेल करवा दिया। कहने का मतलब यह है कि आपका मेहनत आप कैसे ग्रहण करते हैं, आप किस तरीका से उनको ले रहे हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। देने वाले क्या दे रहे हैं वो तो ठीक है, परंतु लेने वाला सर्वोत्तम होता है, वही निश्चय करता है कि क्या मतलब ले लेना चाहिए क्या छोड़ देना चाहिए। तो चलिए इसी बातों के साथ हम लोग आज के सवाल पे आए हैं। आज का सवाल है हमारा कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना के एनवे पद बराबर होंगे। एनवे पद मतलब कोई ऐसा पद होगा जो इसमें भी जाते रहेंगे, ऐसे 67 के बाद जाते रहेंगे, इसके बाद इसमें भी 3, 10, 17 के बाद जाते रहेंगे, तो कोई ऐसा एन का पद है जो बराबर होंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें और इसमें जो है वो कौन से एनवा पद है जो बराबर होंगे, ये होंगे ये निश्चित है, तभी दिए हैं सवाल। बात समझ पा रहे हैं? कोई होगा जो बराबर होंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो है 4 के पहरा अगर पढ़ लेते हैं, 4, 8, 12, 16 है ना ऐसे, और 3, 6, 3 के पहरा पढ़ लेते हैं 9, 12। तो मतलब कहते हैं कि इसका कौन सा पद जो है वो बराबर होंगे, तो इनका जो है चौथा पद और इनका जो है तीसरा पद बराबर है। तो इसमें कहता है कि आप एन के यानी कि एन एक ही वो है, परंतु दोनों का वैल्यू जो है वो बराबर होगा, एन के किस पद के वैल्यू बराबर होंगे, ठीक है, पद बराबर होंगे, एन में के पद बराबर होंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एकदम स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ कमज़ोर छात्रों के लिए है चैनल, अगर आप लोग नए हैं तो इससे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कमज़ोर छात्र है उनके लिए बारीकी से समझाया जाता है, अगर आप तेज हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए एन की किस मान के लिए, तो यहाँ पर पहले दिया क्या गया है, तो प्रथम एपी क्या है, प्रथम एपी का एपी जो है उसका क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 63, डी दिया हुआ है, डी कैसे निकलता है, आगे में से पीछे घटा लीजिए, अगला में से पिछला घटा लीजिए, अगला में से पिछला घटाइए, कितना आएगा 2। उसके बाद यानी कि द्वितीय एपी का ए कितना है, ए आपका हो गया 3, डी कितना है 10 में से 3 घटा लीजिए 7, क्लियर। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार कहता है एनवा पद जो है बराबर है, तो एनवा पद इसका भी है इसका भी, आप समझ लीजिए कि इसके लिए ए एन एन आ इसके लिए ए एन, मतलब किसी भी तरह से समझ लीजिए ये क्या है बराबर है इसके लिए, यानी प्रथम एपी यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरे एपी का, ठीक। तो अगला जो सवाल मतलब अगला जो पॉइंट होगा वो होगा इसके लिए ए एन का फॉर्मूला लगेगा और इसके लिए ए एन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ओ सॉरी ए प्लस एन माइनस वन डी। अब जो है ए क्या है, ए 63 है इसके लिए, एन क्या है तो एन तो पता नहीं है, डी क्या है तो डी अभी निकाले हैं 2। इसके लिए बताइए
ए है 3, एन तो निकालना है, डी है कितना 7। आगे बढ़ेंगे, 63 + 2n - 2 = यहाँ पर आएगा 3 + 7n - 7। क्लियर, ये समझ में आ रहा होगा कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं एकदम। अब यहाँ पर देखिए, ये 63 में से 2 गया तो कितना आएगा, 2 गया तो 61, तो 2n + 61 = 7n, और 3 में से 7 गया तो -4। अब देखिए एक साइड कर लेते हैं तो 2n, ये 7n इधर ले आते हैं तो माइनस में, इधर -4, ये 61 इस साइड ले आते हैं तो -61। अब देखिए इसमें से घटा लेंगे तो -5n क्या, और इसमें से घटाएंगे यानी कि -4 और -61 -65, एन का वैल्यू -65/-5, इसे कट जाएगा 13, यानी कि 13 हमें क्या कहते हैं एन के किस मान के लिए, 13 हमें एन के पद बराबर होंगे, एनवें पद बराबर होंगे, 13 हमें पद बराबर होंगे यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो उसके वैल्यू के बराबर आएगा, एनवें पद बराबर होंगे। क्या बात समझे, अगर आपको जांचना है तो इसका 13वां पद निकाल लीजिए इस एपी का, और इस एपी का 13वां पद निकालिए आपको बराबर आएगा। जैसे देखिए ए 13 इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 12d, ए कितना है 63, 12 × 2 तो 63 + 24 कितना आएगा 4 × 3 = 7, 6 × 2 = 8, 87। इसका निकाल लीजिए 13वें पद, तो ए 13 को लिख सकते हैं ए प्लस 12d, और ए के जगह पर इसका क्या है 3 है, और 12 × 7 = 84, और 3 = 87। बात समझ पा रहे हैं कि 13वें पद का वैल्यू जो है मान बराबर होंगे अगर हम इस तरह से जाते हैं तो। बात समझ पा रहे हैं ना, तो इस तरह से ये सवाल है, आपका आंसर ये रहा। आप अगर डाउट में रहेंगे तो आंसर भी चेक कर सकते हैं खुद से, क्योंकि एग्ज़ाम में आंसर नहीं रहता है, तो हो सकता है कि आपके मन में डाउट हो, और एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम हो मैथ के दिन तो आप उसको जो है ना एक बार दो बार ज़रूर देख लेंगे जो सवाल बना चुके हैं, क्या कहीं पर मिस तो नहीं हो गया, क्योंकि ऐसे होते रहता है, ये नेचुरली है। तो आप जाइएगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम से अगर बाहर निकलते हैं चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, अगर टाइम है तो, बैठने से और हीरो बनने से कोई वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मिनट का सेकेंड का भी वैल्यू होता है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।